हेलो यार गाइस, तो अभी मेरे पास ये है रॉकेट और गाइस अभी मेरे पास ये है अनार और गाइस अभी आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ है मेरे पास एक पंखा। और गाइस आज के स्टूडियो के अंदर में हम लोग इस रॉकेट को इस पंखे के जो पंखुड़ी होती है उसमें कुछ इस तरीके से लगा देने वाले हैं और गाइस इस अनार को भी हम लोग इस पंखुड़ी के ऊपर में लगा देने वाले हैं। उसके बाद दोनों अनार को एक साथ जला देने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये जो पंखा है जितना स्पीड में जो बिजली में चलती है उतने स्पीड ये जो रॉकेट है क्या इस पंखे को चला पाएगी और गाइस ये जो अनार है क्या इस पंखे को उतना स्पीड चला पाएगी। और गाइस आई डोंट नो गाइस, मुझे भी नहीं पता क्या होगी क्या नहीं, और चलो करके देखते हैं। उसके बाद पता चलेगी कि ये जो रॉकेट है क्या बिजली से भी ज़्यादा स्पीड इस पंखे को चला पाती है कि नहीं। तो चलो शुरू करते हैं फटाफट। यार गाइस अभी मैं इस रॉकेट को पंखे की जो पंखुड़ी होती है उसमें लगा देता हूँ। तो गाइस मैं अभी कुछ इस तरीके से इसको लगा देने वाला हूँ और इसमें लगा देंगे सेलो टेप। यार गाइस अभी आप लोग देख पा रहे होंगे जो पंखा होती है उसकी पंखुड़ी में हमने रॉकेट को लगा दिया और गाइस साथ ही साथ हमने अनार को भी लगा दी है। जी हाँ गाइस, एक साथ दो चीज़ों को लगा दी है और गाइस अब बारी है इसमें आग लगाने की। तो चलो फटाफट इसमें आग लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये जो पंखा है कितना स्पीड चल पाती है। तो चलो फटाफट लगाते हैं इसमें आग। गाइस अभी आपने देखा कि जो रॉकेट है अच्छी तरीके से जली है और गाइस हमने इसमें अनार लगाई थी वो नहीं जल पाई है। और गाइस ये देखो रॉकेट तो अच्छी तरीके से जली है गाइस, लेकिन जो अनार है अभी तक नहीं जली है। और गाइस इसको हम लोग फिर से दोबारा ट्राई करते हैं और गाइस इस बार ही हम लोग इस अनार को जलाने वाले हैं। तो चलो फटाफट इस दोनों अनार को जलाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि जो पंखा है वो और कितना स्पीड चल पाती है। यार गाइस अभी हमने पंखे की जो पंखुड़ी होती है उसमें दो फायर वर्कर लगाई थी और गाइस पहला वाला है रॉकेट और गाइस दूसरा नंबर वाला है अनार। और गाइस ये जो दोनों जो फायर वर्कर है कमाल की जली है। और गाइस आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि इन दोनों फायर वर्कर ने किसने पंखे को सबसे ज़्यादा स्पीड चलाई है। और गाइस ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी होगी तो लाइक करना और वीडियो को शेयर करना और गाइस सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी मत भूलना। ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।